विकास सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। राजधानी लखनऊ पुलिस के हत्थे टप्पेबाजों के एक ऐसा गिरोह लगा है जो लखनऊ और आसपास के जिलों में घूम घूमकर टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दे रहा था। बताया जा रहा है कि ये टप्पेबाजों का गिरोह वाहनों को सड़क पर रुकवा कर लोगों से टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देते थे और ये तीनों शख्स तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तीन अंतरराज्यीय टप्पेबाज गिरफ्तार। तमिलनाडु से लखनऊ में आकर देते थे वारदात को अंजाम। लोगों को बेवकूफ बनाकर बनाते थे अपना निशाना। प्रदेश के अलग अलग शहरों में फैले थे टप्पेबाज। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों टप्पेबाज भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर उन्हें कंगाल कर फरार हो जाते थे और पुलिस इन्हें पकड़ने की जिद्दोजहद करती रहती थी। चिन्हट क्षेत्र में हुई कुछ दिन पहले टप्पेबाजी की घटना के बाद इलाके से सभी लोगों को धर दबोचा गया, जिनमें से सुमित तमिल, आकाश तमिल और अर्जुन तमिल के नाम शामिल हैं। डीजीपी पूर्वी के मुताबिक गिरोह के तीनों सदस्य गैंग बनाकर सड़कों पर राह चलते वाहन चालकों को अपनी बातों में फंसा कर गाड़ी से मोबाइल गिरने या फिर गाड़ी से धुआं उठने का झांसा देते थे और जैसे ही चालक उतर कर अपनी गाड़ी को देखता था तब तक टप्पेबाजों का गिरोह गाड़ी में रखा कीमती सामान समेत बैग लेकर फरार हो जाते थे। इनकी मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार है कि जहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है प्राय, जहाँ पे ऐसे प्लेसेस होते हैं सड़कों पे, वहाँ पे जाते हैं और एक व्यक्ति जो जला हुआ तेल होता है मोबिल ऑयल उसको इंजन पे स्प्रे कर देता है आगे बोनट पे गाड़ी के और फिर उसका साथी जाके कहता है अरे आपके तो उसमें धुआं उठ रहा है, आग न लग जाए। आप सब समझते हैं बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है, गाड़ी में आग लग जाती है, अचानक जल जाती है, तो इसी से भयभीत होकर आदमी तत्काल निकल आता है और साथ ही आग के डर से कि कहीं मेरी फैमिली को नुकसान न हो जाए सारे पूरा परिवार ही गाड़ी से निकल आता है। उसी हड़बड़ी में सामान अपना छोड़ देता है गाड़ी में और गाड़ी में से सामान इनके साथ ही ये लोग मिलके पार कर देते हैं, फिर आसपास पता भी नहीं चलता कहां गए। आपको बता दें कि पकड़े गए गिरोह के तीन सदस्य ही नहीं गैंग के अन्य सदस्यों की भी भूमिका अलग अलग रहती थी। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन तीन लोगों के अलावा पुलिस अन्य सदस्यों को पकड़ने के प्रयास में जुटी हुई है। पकड़े गए तीनों टप्पेबाजों के पास से लेडीज पर्स और सफेद व पीली धातु के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आम जनमानस से अपील करते हुए पब्लिक को भी सावधानी बरतने की अपील की है कि इन टप्पेबाजों की हरकतों को पहचानते हुए उनसे कितना सतर्क रहने की जरूरत है। राजधानी लखनऊ की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है जो अंतरराज्यीय स्तर पर अपना काम कर रहा था। इस गिरोह में महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे। फिलहाल लखनऊ पुलिस ने इस गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो वारदातों को अंजाम देकर झोपड़पट्टियों में अपने छिपने का ठिकाना बनाए हुए थे। फिलहाल ये जो गिरोह है ये गिरोह ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों को अक्सर अपना निशाना बनाते थे। जैसा कि बताया गया है कि यह गिरोह कभी गाड़ियों से मूवी आयल पहना, कभी गाड़ियों में आग लगने की बात कहकर उसमें बैठे लोगों को डराते थे, इसी दौरान गाड़ी में रखा सामान लेकर फरार हो जाते थे। फिलहाल इस मामले में पुलिस का कहना है कि इस गिरोह से पूछताछ की जाएगी और इसमें जो अन्य और लोग शामिल हैं उनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पुलिस अब इस मामले को लेकर जो झोपड़पट्टियों को ये लोग अपना ठिकाना बना रहे थे तो वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन चलाकर इस गिरोह के और लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी लखनऊ। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।